यहाँ के लोगों की गाड़ी जिस गाड़ी में बैठाए थे वो बिना नंबर के गाड़ी थी, लोग को छोड़ के भाग गए ना दो लोग के छोड़ के और दो लोग के लेके भागे, बड़ी तेज लेके भागा था तो वहाँ लेके जाए के चाहिए ना लेके जातो ना आई बाल अपने संगे वाले आदमी। बड़ी संगीन मामला और बड़े हमको ऐसे जनता घबरा गए कि ये लड़का सचमुच में चुराने वाला है। पहले भी निकला था पेपर नेट पर, हम लोग देखे थे किडनी निकाल रहे थे। अभी हमारे घर पर घटना घटी थी गाँव में, 3 दिन पर वो लड़का मिला था। कैसे कि जब उसको काटने के लिए लेके जा रहे थे लाइन पर, कहाँ सुताने के लिए हम लोग को जंगल में से लेके जा रहे, जो जगह वाला लाइन है उस पर कहाँ की जब हमारे सुई लगोल तीन तीन नशा लड़का करत ना रहा, तीन तीन सुई लगोल उनका जब हो साल तकली तो एक ला तो उन्हा मली, एक ला तो उन्हा मली तो दारू पिला गिर गई लन। फिर देखा तो चार चक्का कुछ दूरी खड़ी है तो कहाँ के हम वह ना भाग के यार भाग लेते सतेस गड़ा के एक मड़ई में लोका लेलन तो उनका जिंदगी बचल। वो घटना आप लोगों को याद था कैसे से घटना हो चुकी है, इसीलिए आप लोग घेर लिए, इसीलिए हम लोग घेर लिए सर जी ना। हम लोग जानते हैं पुलिस वाले हैं ना, इसी लोग सुनात रहा, कोई हाथ नहीं उठाता। हमने सुनात रहा साहब कि वहाँ लड़का पकड़ा था, वहाँ उठा ले जाते हैं, वहाँ उठा ले, ये सुनात रहा बस वही लोग वही अथुआ से खाली सर जी ना। तो कोई ना उनके हाथ उठा ले, थोड़ा सा जो है एनकाउंटर का रूप देव प्रदेश वैसे ही सादे वर्दी में लेके आ ले, लेके खड़े लड़कन उठाने की वजह से उतना मार खाए ना सर जी, कोई करने की तैयारी में हमेशा जो बिना नंबर की गाड़ी स्टेपर लेके चलते है, कोई कैश नहीं करे दिखा दे। और अगर रात में आए देखिए, अगर सच देखा जाए तो ये हम लीगल तरीके से बोलते हैं, अधिवक्ता है उसके तहत बोलते हैं कि जब भी रात में सिविल वाले या पुलिस जाती है, दूसरे थाने से आती है या दूसरे जिले से आती है, तो जिस थाने के अंतर्गत जाती है तो थाने वाले को सूचित करती है कि हम जा रहे हैं और फला फला अपराधी को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और आप भी एक आग लोग चलिए। तो उसमें से एसओ जो है एसआई को किसी को लगा देता है साथ में कि ठीक है जाइए। तो ये तो ये थाने से भी हमको लगता है कि अनुमति नहीं दी थी थाने वाले, कल हम लोग भी इन्फॉर्म नहीं किए थे, लोग डायरेक्ट कोई सूचना नहीं दे थाने वालों को। तो ये भी कहा जा सकता है, शक के दायरे में भी है कि हो सकता है कि ये लोग जो उठा के ले जाकर एनकाउंटर करने का भी प्लानिंग हो, ये भी हो सकता है। 100% यही सोच के यही सोच कर आए, मतलब कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रहा है। हिताए नताए के जिसके यहाँ जो रहेगा उसी को ना बुलाएगा जमीन वाले लोग को। गांव में तो सभी कोई फंसा है, किसी को ले ही नहीं रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, वापस कर दिए, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाहरी लोग। हम लोग के पास तो जमीन है नहीं, खाते कमाते लोग हैं। जमानत अभी होगा भी नहीं ना, जो धाराएं लगाए हैं जमानत अभी नहीं होगा। कौन कौन सी धारा लगा है उसमें बताते हैं लोग कि अभी इन लोग के पास जानकारी होगा। जो हमको बताया गया है कि उसमें जो है कि 396 है और 354 है, फिर 504 है, 506 है और 323 क्या क्या है उसमें, बहुत सारे 12-13 धाराएं हम तो देखे भी नहीं, अब देखें तब पता चलेगा इसमें तो क्या सच है। 14 लोगों का उसका कॉपी किसी को नहीं मिला, किसी के पास है क्या FIR जो हुआ है, जो FIR करके भेजे है, अगर किसी के पास हो तो वो जरूरी है ना। उसी भैया भैया इनके जो घर के हैं वो 14 लोगों में है कि अलग है? 14 लोगों में नहीं है ना, क्या नाम है उनका? जोगिंदर सिकंदर। जोगिंदर सिकंदर हमन का आदमी कुछ नहीं किलन, घर में सुतल कबाड़ी तोड़ के उठा के लेके गलन औरत के लग गए सुतल। चलान भी हुआ है, मेडिकल करा के हाथी बाजार से मेडिकल करा के चौका घाट भेज दिए। तो उस दिन कचहरी बंद था, बल्कि बिहान भर लोग प्रयास करके अपना जमानतदार ले आके। तो आपके पति हैं वो? जो नहीं, मेरे देवर है, मेरे पति बाहर है। अब का बाहर है, एसडीएम का के गांव में जाकर लोग बाहर ही काम करने आए। हाँ भैया बाहर आ रहा है, जो खाली ले लिया जैकी, पहले सुन वो जैकी खाली अपना भर जैकी राजभर बोले ना, जैकी राजभर हमारे आदमी तो घर पे खा रहे थे तो आए 4 लोग उसको उठा कर लेकर गए, कहे चलो चलो। हम लोग बोले तो हमको गाली देने लगा, हो कहा कि साली तुम लोग चुप रहो, तुम लोग बोलो मत। गाली तो हम लोग वर्दी में थे, खाना खा रहे थे, आ रहे थे काम पर से,
पीएससी जब घर में खाना खा रहे थे तो पीएससी उठा के ले गया सब। सबको पीएससी आपके पति को ले गया। उनका नाम सोए थे घर में केवाड़ी खुलवा के दिवाली के अगले दिन दिवाली के बिहान। उनका नाम है योगेंद्र या योगेंद्र योगेंद्र सिकंदर योगेंद्र सिकंदर। और आपके पति को ले गए विजय। हमारे पति का नाम विजय। एक तो देवर है उसका नाम है अजय। कबाड़ी अथवा तोड़ के लेके गलन हमारे मुंह में डंडा ना बैठ जाते रहे सिकंदर राजभर। सब राजा भाई सब और आपके देवर। हाँ लोग के देवर ये माता जी को मारे और हम लोग को भी मारपीट करेंगे। देखिए लैट्रिन का दरवाजा भी तोड़ दिया। खोलिए अपराध दिखाइए छुपाएगा देख ले जा बिना निर्दोष लोग के पकड़। उतना ठीक है ठीक है निकाल दे जाना निकाल देने से पूरा निकालिए निर्दोष लोग के पकड़ पकड़ नीचे नहीं है जितना है क्या नाम है इनका राजकुमार राजकुमार राजभर। कहाँ पे नीचे लगा चोट पैर में पैर में मारे चूतर में मारे नहीं ठीक है ठीक चलो ठीक तो घर में घुस के डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया। कितने बजे की घटना करे 12:00 और उनको जो पकड़ के मारे थे वो कितने बजे शाम 7 बजे कि हमने गईले नहीं भाई मरले नहीं भाई तो हमने हमने का करा के जाए हमें का आदमी इसी से मारा पीटा खाना खा रहे जो नहीं मारा पीटा जो घर में। आप लोगों को अभी कुछ बोले हैं कि इतना पैसा जमा करो तो जमानत होगा या कुछ बात हुआ कुछ भी ना सुनवाई नहीं हो रहा है वहाँ पैसा देने पैसा कमाने वाला तो जेल में है सर जी। हम लोग पैसा लाएंगे तहसील में कोई खेती की यारी तो नहीं हमारे पास कि हम लोग चलो गिरवी रख के हम लोग छुड़ाएंगे करीब। अच्छा आपके पति कितना महीने में करीब कितना कमा लेते हैं सर जी। महीने में 2000 राजगीर सारे लोग मजदूरी करते हैं। जमीन किसी के पास नहीं है किसी के पास नहीं है सब खाते कमाते हैं अपने पैर से खाते हैं अपने पैर से कमाते हैं। ये तो जानबूझ के आप लोग को परेशान कर रहे क्योंकि आप लोग पैसा नहीं दे पाएंगे या ऐसा ऐसा नहीं मालूम सर जी। मेन बात है कि हम लोग के पास पैसा रहा गया कहाँ से जब हम लोग का आदमी जेल में तो हम लोग पैसा लाएंगे कहाँ से। देखत ना है ऐसा धके ढकेल देना वो टूटल है घर ना वैसे धके ढकेल देना जो दरवाजा है हमारे छत पे वहाँ पे छत पे ऊपरी पथाता था वो उसपे भी चढ़ कर देखे कि इस पे भी नहीं है छुपे है जो बाथरूम टूटा है उसको हम बनवाए कैप्चर कर लीजिए। हमारे टाली वहाँ पर तोड़े फोड़े है लैट्रिन का दरवाजा तोड़ फोड़ कर दिए है एक तो दरवाजा और घर में का दरवाजा उसमें कोई नहीं रहता है वो भी दरवाजा तोड़ दिए है। तब ना वो भागेगा जो गुनहगार नहीं तो क्यों भागेगा अपने घर रहेगा ना। और लोग ये सोचे तो हाँ हम लोग गलती नहीं किए हम लोग को क्यों ले कर जाएंगे तब ना घर पर है। मारने वाले लोग मार के भाग गए जो नहीं मारा वो लोग फंसा है। अब हमने नन बच्चा का आप लोग वकील को पुलिस को किसी को जानते नहीं है ना। नहीं हम लोग के घर कोई आदमी भी नहीं ना है हम लोग माता जी हमें ये भैया इनको भी लेके गए तो इनको भी अभी छूटे हैं इनको भी बहुत ज्यादा मारे हैं और घर में कोई नहीं है ये बड़ बेटा उनको भी मारे इतना वो खुद ही नहीं चल पा रहे हैं। देखिए ये लैट्रिन भी दरवाजा मतलब सोच रहे थे ना इसमें छुपाए मतलब लैट्रिन का ये दरवाजा देखिए तोड़ दिए। देखिए ये ढके तो तोड़ दिए हैं वो भी पीट रहे थे तोड़ने के लिए वो तो माता जी खोल दिए तो वो भी तोड़ देते हैं कह रहे नहीं खोल रही सारी तोड़ो उसको
इतनी गंदी गंदी गाड़ी भी दे रहे थे। स्वच्छ भारत में बनाया है ये, मोदी सरकार ने बनवाया है, और कहां से मोदी सरकार बनवा भी रही तोड़वा भी रही है। जो समझिए हमारे घर भी चलिए, हम लोग का गरीब हमले है, रोज का कमाना खाना वाला, हमारे बीमारिया लड़का के पकड़ के ले गए। आप लोग उस समय घर में थे? कांड तो हुआ 9 बजे रात को, उससे सब लोग शांत हुए। कांड पुलिस वाले आए में का दाल छिड़ देले रलन डलाई में का मरचा छिड़ दे सामान इधर से उधर कर दिया वो लोग। महाजन साहब को ताला माला को टूटा के बोल उधर लेकिन के डाक के गैलन चदरा खींच के उठा के हम लोग देखे कि रजाई की तरह कहीं आदमी सुतल तरह है। हम कहते नहीं सर नहीं सीते तो हटाओ, गाली भी दे रहे थे हम खुद ना करे तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लड़के का बुजुर्ग छिंदड़ी करिया रहे थे, आदमी को ही ढूंढ ढूंढ के पकड़ के ले गए, किसी औरत को नहीं ले गए। हमारे दादी एक बुजुर्ग का उनके मार दिए लाते से ढूंढा गए थी सर, जिसका जो लड़का पकड़ कर ले जा रहा है वही माता माता जी को पकड़ कर लेकर गए। पैसा है नहीं है तो बताइए अब हम एक्सरा उसको कहाँ से करा दे। पेड़ में लगा था उसको ढकेल लिए, विकलांग थी एक गोड़ की, सो रही थी वो। अभी तब कुछ हुआ नहीं ना, दिक्कत नहीं है? डॉक्टर से दिखा नहीं, डर के मारे वो आई नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए वो? कहीं मौसी आने गई है, हिताई गई, डर के मारे नहीं। अच्छा कुछ लोग बाहर भी चले गए ना, कॉल से सब आ रहे हैं। 14 दिन आने तो एक आदमी नहीं दिखते हैं, कोई नहीं था इसमें। बहुत लोग इनके यहाँ कोनो बात करी है, मेरा डर के मारा भागत बाई, और ये भी मन से रू कच्चा दिल का बाई हो तो भाग जाते हैं, आएगा तो हम लोग के मारेगा। अच्छा इधर सारे लोगों का घर नहीं बना है पक्का? नहीं, नहीं, नहीं हम ही लोग का है, ये कच्चा है बस। क्या हम ये सरकार दिया है? हाँ सरकार दिया है, माता जी को मिला है। मिला सबको, मिला है कि नहीं कि किसी को? सबको नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है। काहे ऐसा क्यों? हम लोग के नहीं मिला, सुनवाई कोई नहीं, सुनवाई कोई नहीं है। राजनीति है इसमें सर जी। हाँ जी, जो लोग एक ये बात चिन चिन कर बनाती है, मतलब कि आपसे हमें मिलती जुलती है, मतलब खर्चा पानी थोड़ा जान पहचान है तो हो जाता, नहीं तो हो जाता है। जिसके पास सुनवाई है उसका दीजिए, जिसके पास नहीं है तो उसका जाइए हटाइए छोड़िए। खाने से ज्यादा घुसखोर है यहाँ पर ज्यादा। तो आपका जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और ये स्वस्थ वाला ये शौचालय, शौचालय सबको मिला, मिला है। तो हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाई में से एक जन को 2 ठो बना है, तो उसमें से 4 जन को दिया है सबको। सब अलग अलग है तो सबको एक एक ठो अलग अलग देना चाहिए ना उसको। सबका परिवार अलग अलग है, परिवार अलग है तो परिवार। चलिए थोड़ा हमारे घर भी चलिए। लैट्रिन का दरवाजा तोड़ दिया, टाली तोड़ दिया है, घर का दरवाजा तोड़ दिया है। मामा का ले जाके घिसवा दे, वही तो नहीं जग जगह का बहन भाई सब का कर लेंगे। मैंने अंदर आके सामान भी इधर उधर फेंक दिया। अभी तो आप ठीक कर दिए होंगे ना उसको? हाँ तो ठीक तो हो गया सभी, जब रहने लगे आदमी तो ठीक तो हो जाएगा। अभी यहाँ वहाँ का देवल वाला भाई थे, अपना घास भूसा कर दे, कहाँ से हमने कैसे खोल के जब कुछ खाना खा जातवा खाने पर ले जा करके जो मार करके जो बंद कर दिए, जब छोड़ने लगे तो पहले तो हमारा धागा रख लिया। कौन सा धागा? हमारा एक माला रहा वो भी रख लिया, हमारा जो है कि गमछा रहा गमछा भी ले लिया, हमारे हाथ में एक जो है कि बाबा का देने की पट्टा रहा वो भी नहीं दिया। कह रहा है कि साले तुम लोग ये कुल ले गए भाग जाओ यहाँ से, कुल वही थे छोड़ करके हमने साथ चले आए। एकदम खाली ऐसा ही है इस महिला के, ऐसा बिना लूंगी गंजी पैसा गई दे ऐसा चले आए हम।
शाम को जब ठंडा लगा था इससे हमने गुड़िया चल लाए शर्ट तक नहीं पहरा दे सर पर हम गजदे रही और लोग अंडरवियर पहन लेके चल गए कितना दिन दे रखे आपको जेल में साहब ऐसा है कि तिवारी वाले दिन के 11:10 पर हम लोग के ले गया है और उसके बाद जो कि हमको छोड़ा है जो दिन ले गया वो दिन रात भर सारी बैठाया उसके बाद दिन भर बैठाया शाम को हमको छोड़ा है बेर बैठने के बाद कुछ खाने पीने को नहीं दिया नहीं कुछ नहीं पानी तक नहीं दिए पानी समझ लो कि 11 रात का हम लोग पानी पिए थे और फिर जो कि शाम को हम लोग को जब छोड़े थे तो हम लोग खाने के दक्षिण साइड जब हम लोग आए थे तो वहाँ चपाकल एक मिल गया है वही चपाकल पर जा करके खाली दो अजूरी साहब पानी हुआ हमने पी थे उसके बाद वहाँ से हमने सीधे घर पर चले आए पानी तक नहीं दिया कोई जनता मारने के आदेश नहीं रहा हम लोग तो खाली यह कहा कि चलिए खाली पूछ करके हम लोग छोड़ देंगे लेकिन यहाँ थोड़ा का नतीजा कि वहाँ ले जा करके मारने तो किसी से झगड़ा झंटा करने से क्या मिलेगा हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें प्रेमी भाव से चलता है तो उसी से हम लोग कमाने खाने वाला बताइए रोज मार करेंगे झगड़ा करेंगे तो कहाँ से आएगी हम आपको नहीं बोले हम ये बोले कि पुलिस जानबूझ के गरीबों को ही पकड़ता है क्योंकि वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते अमीर को तो नहीं पकड़ेगा ना वो तो वकील कर लेगा या पैसे प्लीज सर यहाँ पे जो राजभर समाज विमुक्त जाति है यहाँ पे राजभरों को एक निचले स्तर की सोच से पहले देखते हैं लोग क्यों ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है कि राजभर समाज की जो इनके सबसे बड़ी समस्या है कि अशिक्षा शिक्षा न होने की वजह से ये लोग भटकते हुए गलत कार्यों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर लिए हैं जिसके चलते आज भी उस राह को पकड़कर 85% लोग चल रहे हैं जिससे कि पूरा समाज एक गंदगी के तालाब में डूब चुका है इनको निकालने का एकमात्र साधन शिक्षा जो कि वो भी अभी वंचित है गरीब हैं बेरोजगार हैं इसलिए शिक्षा नहीं ले पाते हैं यही कारण है कि प्रशासन शासन दोनों इन लोगों को हीन की भावना से देखता है और राजभर का नाम सुनते ही उनकी जो एक्टिविटी होती है उनके प्रति हमेशा निगेटिव ही रहती है पॉजिटिव कभी नहीं रहती आप लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं हाँ सर जी हमारी एक तो बच्चे हैं 4-3 घर पे हैं सर जी और ये जो आपके पति पढ़े हैं हाँ हमारे पति पढ़े हैं कितना तक पढ़े 5 तक पढ़े हैं 5 तक पढ़े तो अधिकतर लोग जो जेल में हैं वो कितना तक पढ़े होंगे एक तो देवर है 8 तक पढ़े हैं नहीं पढ़े हमारे पति 5 तक पढ़े हैं सर जी वही 3-4-5 तक पढ़े लिखे हैं सर नाम भी नहीं लिख पाते मगर हम पढ़ने का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए इंटर बी ए वगैरह वगैरह करना चाहिए ना सर जी 4-5 का हम पढ़े नहीं है मगर हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा सके हम इतना अपने दिल दिमाग में सोचते हैं कि हम पढ़े नहीं है मगर हम अपने बच्चे को सोचते हैं कि पढ़ा सके आप लोगों को लगता है कि नहीं पढ़ने से ऐसा ज़्यादा दिक्कत होता है हाँ सर जी हमको खुद ही समझ में आती है कि हम पढ़े नहीं हैं तब हम चुपचाप बैठे हैं नहीं आज हम पढ़े होते तो कुछ तो उपाय करते अपने पति को छुड़ाने के लिए हमने पासे जब और चिल्ली चिल्ला मचल तो आदमी अपन यही आप गई थी आप पढ़ी कुछ पढ़ाई उड़ाई की नहीं नहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं कहाँ आपका मायका किधर है मायका किधर से है हमारे तो आप यहाँ पे कब आएंगे कब से यहाँ पे रह रही हैं हमारा शादी हुआ था यहाँ कब की बात है कितना साल हो गया अरे भीषण बरिश होगा 20 साल का तो आपका वो हो गया होगा नहीं तो हमारा ये मतलब था कि बस्ती कब बसी है कितना समय हुआ इसको आप कम से कम 40 से कम ना हो बेटा पतो ना करना चाहिए 40 से ना कम से कम दोनों लाख 45-46 से कम ना हुई हाँ ये मत कहा जब हमार उम्र जो है कि 45 साल का जो न लकी हो हमार उम्र 45 साल के हैं हाँ 45 साल का लिख गई हो इनका रूम पैदा आप कहाँ हुए यहीं पे है ये कब बस्ती कितना कब गांव कब बहुत पुराना है ये हाँ हाँ बहुत पुराना पहले से ही भर रहते हैं यहाँ पे भर समाज
तो ये इतने समय में 45 सालों में कभी पुलिस से परेशानी नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहली बार है, पहली बार है, पहली बार। कोई भी जेल नहीं गया है? नहीं नहीं नहीं। उसे कब हो के हाँ थोड़ा बहुत मतलब परिवारिक झगड़ा है वो तो अपने जगह। ऐसे अपना झगड़ा होता है तो आपस में सुलझा लेते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं? नहीं नहीं, आपस में वो समझ जाते हैं, पुलिस दौड़ के नहीं होती। वो मान रहे देखे पकड़ा है फरहार हो गए बच गए, दूसरा दूसरा जने बच गए। अपने चोरी भी करके कतल भी करके आए तब वो कहें सही है। लाइटनिंग का दरवाजा भैया भैया तीन तीन चार चार बार का आया कि अरिया पीटा था अम्मा सुतल बाइन और पतो लोग अम्मा सुतल लाइन अम्मा सुतल एक हमारे पतो सुतल लाल अम्मा तो नाई केवाड़ी खुलल तो खिड़की में से ताकत है ई केवाड़ी तोड़ देन यही देखा ही है कुछ तोड़े हैं खपड़ा पीटा था वो दरवाजा जिसका जिसका टूटा है फूटा है। सर जी देखे वहाँ पर टाली हुआ टूटा है वहाँ पर टाली मार मार कर इसी में हम रहते हैं दिखाई है ये हमारा है उनके लड़के हैं उनकी बहन है परमपुर में मतलब वो बगल में सावली से रही होती है कलिया मिले ले रही उसे अभी बच्चे लोग का छुट्टी चल रहा है? हाँ सर जी नहीं छुट्टी नहीं हम लोग डर के मारे नहीं भाग रहे बच्चे लोग। देखिए हमारा ये सब बच्चे ये खेतर लड़का ही कौन से क्लास में सब जाते हैं? तीन क्लास में है सर जी तीन में। हाँ। तो स्कूल भेजने में क्यों डर लग रहा है? डर इस तरह से लग रहा है कि ये लोग खुद ही डरा रही है कि हम लोग नहीं जाएंगे पुलिस वहाँ पर खड़ी है हम लोग को मारेगी इसीलिए डर के मारे नहीं जा रही है। नहीं है सर डेढ़ किलोमीटर एक किलोमीटर पड़ कैसे जाते हैं साइकिल से पैदल? साइकिल से नहीं पैदल मतलब सभी बच्चे जाते हैं एक साथ जाते हैं एक साथ सभी बच्चे जाते हैं तो हम इतना सोच रहे हैं सर जी कि हम पढ़े नहीं हैं तो क्या करें हम अपने बच्चों के पढ़ा सकें जो सरकारी सुविधा मिल रही है उसके लिए थोड़ा हम पढ़े लिखे नहीं हैं इसीलिए हमको जानकारी कुछ भी की नहीं है जिससे से पूछेंगे तभी तो कोई चीज़ का जानकारी होगा। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं आप भी नहीं पढ़े
और आप कहाँ से ब्याह के आई हैं? हमारा घर कलकत्ता में। कलकत्ता से? हाँ सर। तब दूर से? जिसका कर्म में जो लिखा रहता है वही होता है। क्या होता है इससे? इससे क्या होता है मतलब कि सब बच्चे लोग को शौक से पहनाते हैं। हाँ, ये चांदी का जंतर है। इससे क्या जादू टोना है इसे? हाँ। हमारे आदमी है, हमारे जेठाऊ थे, हमारे लड़का है। तीन आदमी? हाँ तीन आदमी है। क्या नाम? हमने घर में क्या, एक संजय नाम है, एक श्याम सुंदर नाम है। नाम बताइए। संजय राजभर? हाँ संजय राजभर, श्याम सुंदर राजभर, बबलू राजभर। आप घर में अकेली हैं इस समय? हाँ, हम के मार के भगा दिया। कहा जा जा बेटवा करके आए लो, देखा बचाने की आई लो। जेकरे घर का मैटर, जेकर हाँ। लड़का चोर चंडा, हाँ। वो के साहेब ना धके ले गए ना, फालतू हमारा के आदमी के घर में से घीच घीच के ले जा के कहा कि तुम्हारा आदमी वो दरोगा साहेब के मारा, झूठ का लथना लगा के हमने के मारा पीटा, बहुत कुछ करा हमने, कहा करी हमने एकदम लचा रही। हम पति साहब की जब मतलब की हम ये कहते कि जब तू जैसे जब यहाँ तक यहाँ से आके पकड़े रहने सब पुलिस वाले और शादी वर्दी में तो हमने कहा पता कि तू पुलिस वाला है कि तू कौन वाला है। तो जब चारा बजे तू दौड़ा था, अगर गांव में सुझा दे रहे कि नहीं हमने एक लड़का खोए थी कोनो अथवा नहीं, तो आदमी क्यों ना पड़े उनके सबके। मगर जब यहाँ से पड़ गए तो वहाँ वहरे पर जब कहा कि भैया तू काहे पकड़ लेता था, कहा कि ये सब मार किए हैं, तो हम क्या छोड़ा अच्छा मार के लेते ये बार की चार ज्यादा। तो उन लोगों जब ही देख के दूसरा लड़का भी खींच लिया था नोई में से, तो वहाँ फिर मोहानी पर हमने घर वहाँ सब लड़का रोजिया ललन वहाँ बस खाई गट्टा था कि हिंचा में लड़का के वो जन वर्दी में ललन वो भी गिर गई लन। तो ये बल्कि वर्दी वाला जन हन पुलिस इनसे मिल के ये किडनेपिंग हन, तो ऐसे वो आदमी मरा गए नहीं, वो आदमी मरता न और पता लगता कि हमने थाने से अंत्य से आई ली तो कोई हमला पर न कर छोड़ देते लड़कों को छोड़ देता हम, लेकिन लेके जा तू भाई जब गुंडागर्दी करी तो जीबा कर, लेकिन काहे तू इसे नहीं बोल रहे तुम्हारो गलती तब जनता मर लन नहीं काहे न मरल आखिर फिर पहले बार वो नहीं पकड़ल आ हमने के आदमी के नहा के दम घर में से हूर के निकाल के ले गए हमने घर में तोड़ फोड़ कर दिलन कुछ पैसा कौड़ी जितना रकम रहे उठा भी ले गए हमने के ढक दिलन मीठा पर गिर गई चोट लग गया जंगा में काहे बदे सर कह लिया लोग हमने अपने के देखा जाके पांच पत्ता देखा जाके क्या कर दे चाहिए बता आज आप लोग पांच किस्त उठाए हम उसका शादी करने बदे के हमारा लड़का। हाँ हमारा लड़का भी हमारा आदमी के साहब ले गए हम के करे सारे किस्ती रात के पैसा भी उठा के ले गए घर से घर में से उठा उठा ले गए लोग खींच के ले गए जबरदस्ती हमारे लड़का के बता साहब लोग किस्त मांगा था ना कम किस्त क्या है लोन वाला पैसा लोन वाला पैसा है वही उठा के लिए कहाँ कौन भरेगा जब आदमी गार्जियन नहीं है जो कमाने वाले नहीं है तो कहाँ से भरेगा किस्त से लिए थे अरे पता नहीं कौन ये क्रेडिट है ये होम क्रेडिट होता है बैंक से कि साहूकार कैश फार एक होम क्रेडिट कैश फार वाला जो है कैश फार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंक है बैंक है हाँ बैंक है वो समूह चलाता है समूह है। अब यहाँ जब पिस्तौल हरा गया था एक पिस्तौल पर एक तो हेराया एक थे उसमें पांच पिस्तौल बताया गया कि पांच पिस्तौल हेराया है कहाँ से आ गया पांच इसमें एक ही वर्दी पड़ता है इसमें चारों वर्दी क्यों पहने भैया बताइए क्यों पहने क्यों पेपर में झूठा सर सच झूठ छाप रहे हैं लोग पेपर वाले नहीं करना चाहिए। पेपर वाले में से कोई आया आपसे बात करने के लिए? हाँ भैया दो तीन लोग हैं सब लोग से आ रहे हैं जा रहे हैं क्यों कुछ पर नहीं रहा लोग नहीं दिया था सब कोई कहता है कि तुम्हारा आदमी छूट जाएगा बेटी तुम्हारा आदमी छूट जाए खाली धीरज दे दे करके चल जाते हैं फोटो घिंच घिंच के लेकर के चल जाते हैं कुछ कहीं हमने कसाया नहीं थाना पर पता का के सूचना का के तब यहाँ होती गाँव में तो थाना पर सूचना का बिना के ले लिया है वो आप मिले कि नहीं वहाँ पे नहीं अभी पता नहीं कहाँ है वो पता नहीं कहाँ साहब एक जने से भेज भाल बढ़ेगा और क्यों हमने घर के नहीं देखा तीन जने में से एक जने जैसे पूछा था बस वहाँ बोला था बाकी इधर चौका घाट में है तो कोई कह रहा है बड़े गांव है बड़े गांव में तो दो लोग के हम लोग देखे लेकिन मेरा बेटा नहीं दिखा है वो कहाँ पता नहीं कहा वो पता नहीं सब लोग कोई फूलपुर है तो कोई कह रहा है रोनिया है तो कोई कह रहा है चौका घाट है कहाँ कहाँ और दौड़ेंगे इतना पैसा है कहाँ हम लोग के पास ही दौड़ेंगे हम अपने बेटा खातिर कहाँ शायद घूम रहा सुबह के मार बेटा नहीं मिला था उ घर हमारे भैया हम तो कह रहे हैं भैया
कि हमारे आदमी को छुड़वाइए, हम लोग कहे कितना हम लोग को लेकर चलिए, उसमें बंद कर दीजिए, हम भी उसी में रहेंगे, हम लोग घर पर नहीं रहेंगे, घर पर बच्चा लोग मरेंगे, इन लोगों को फंसा के हम लोग चैन से है ना। अब यहाँ पर अब मामला बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, अब औरतें जाकर उसके घर मारपीट करेगी। आप लोग बस इतना छापिए कि बस चलिए, आप जग से इनकी लड़की में रहिए, ऐसे ना हो बांधा उनके घर जला ईटा पत्थर, नहीं तो लोग घर के नीलामी करिए, कि जब उनका आदमी नहीं गजन खड़ा था नहीं छुड़ाता तो चला उनका घर की कितना नीलामी हुई और कितना हमने को आदमी को छुड़ावे, साफ बात। क्या इसको क्या बोले खटारा बंद करो? हाँ सर जी कर बोले, कोई का घर है कोई खटारा बंद कर सानी, तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रहे हैं? हम कह ली साहब हम अपने घर पे हैं, जिसका मड़ई है वो इसी का वो महल है, आप लोगों के लिए मड़ई जो खटारा लग रहा है ना, हम लोग के लिए तो महल है वही है ना। हाँ सर जी हमने के लिए तो मड़ैया महल है, मड़ैया में हमने रह के दिन अपन बिताते हैं, क्या करेंगे, चन्नी नन्नी बच्चा है देखा आदमी पकड़ के, अब तीन दिन चार दिन हो गए ना देखा पागल भाई है, खाई ले बेगर लड़का इधर उधर कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो दिमाग नहीं काम करता, ये तो नहीं खींच के लेके आए होते तो हर आदमी नहीं खींचे होते। अब बोला था ये ना था कि हम पुलिस आए, हम जौनपुर से आए, कहाँ से आए, कहा होता कि हम जौनपुर से आए, हम जौनपुर से आए हैं, राजन लड़का के पकड़े आए हैं, तो केहू ना बोला सर जी, और जब तू नहीं बोला था थाने पर नहीं कहता है आदमी से नहीं बोला था ना कुछ दिखावा था, गाड़ी का नंबर बतावा, आदमी चोर चोर करके मरबा ना करिए, जनता मरबा ना करिए, अगर तो ही सर जी कुछ ना ले ले रहा, अगर गांव में तो हम कुछ दिन तक अपने बच्चों को पालते ना, छह महीना का सजा दे, छह महीना का सही है, लेकिन कम से कम वो सोना चांदी था उसको बेच के तो कम से कम चलाते है, पेट उसका जियाते, अब तो कुछ नहीं है, दब खाली है, तो दिमाग तो काम नहीं कर रहा है आपका, करे तो क्या करे, किसके घर जाए, कौन देगा रोज रोज, दो दिन दूसरे घर से खाना मांग के खिलाए, दूसरे घर के लिया लिया खाना खिलाए, कोई देगा रोज रोज, क्यों नहीं देगा, क्या क्या ले गए घर से? एक से चैन था, एक ठो अंगूठी था और एक चाली था, पैर में का था, तोड़ा था, गले में का था, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सफा तो सफा। अरे आपको लेना ही था तो लुटे होते तो पैसा कौड़ी ले गए होते, एकदम पूरा शरीर एकदम खाली कर दिए, आदमी तो आदमी लूट के ले गए, काम बचा है हमारे लोग पास, तो दिमाग नहीं खराब होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा और घर में भी चोरी हुआ है? हाँ जहाँ आगे वहाँ 10,000 रुपया लिए गए हैं, वहाँ पर खोल के ले गए हैं, और जिसके जिसके घर में होगा हमको हम तो सकता नहीं, हम तो अपने चक्कर में खुद ही पड़े कि हमारा कैसे हो गया, उसके घर में अलमारी पलंग रजाई गद्दा तो सब उसके घर में था, वो लोग भी उठा के रजाई गद्दा हाँ सब कुछ एकदम घर खाली कर दिया, उसके बहन की शादी थी, बच्ची बोल रही है इसको बुखार है, हाँ सर जी दवा लाए हैं। अरे तो ये क्या पुलिस की गाड़ी में लजाई गद्दा लेके गए? अब हमें क्या मालूम सोने के लिए ले गए होंगे, उनके धन पे कनवा राजा, तो यही बात है ना, हम तो अब ही यहाँ आते हैं 5-6 दिन पर, इतना दूर तक हमारा दिन रास्ते पर खाली बस, लेकिन इतना ये सब काम न करना चाहिए सबके, हम कहते कि तू सबे आए ना, कम से कम गांव को सुधार करा के तू सबे आना, गांव को लुटा है, यहाँ गरीब है सब लोग ना, गरीब वाली बस्ती है, अमीर वाली बस्ती ना, कि तू सबे लुटा अलग तो सबके कौन फायदा हुई, यही राज भर नाम बदनाम है, राजा भर से राजा हमने है ना, यही से बदनाम हुई बस्ती का, राजभरन के मतलब ज्यादा लोग मारलन, हाँ हर तरह से सतावन राजभरन के, पुलिस वाले की हर लोग सताते, हर लोग सर जी सताता, के नाम बतावल जा हमने यहाँ का। अच्छा पटेल जो बस्ती है या हरिजन बस्ती उधर ज्यादा नहीं परेशान करते हैं? नहीं सर जी वो लोगों से हम लोग का ना जितना का हम लोग के घर में, हम लोग अगर जब मेरे आदमी को ले गए एक बार तो हम लोग जाने तो छा ले गए, फिर एक बार आए फिर हम कहे भैया पिस्तौल नहीं है, तो एक बार ढूंढ के गए तो एक बार सोचे कि जाने दो छा, ऐसे ढूंढा के गिरा फिरा के सब लोग सारा सामान बिखेर के चले गए, हमको जाने दीजिए अच्छा, तब वो फिर दूसरा बार गए भैया क्यों हमारे घर में बार बार सब लोग आए, तब गरिया रहते कहे माधव चौधरी हटो, ढकेल दिए हम लोग को ढकेल कर, फिर उसके बाद हम गिर गए, हम गए नहीं कर घर में जाकर पता नहीं क्या क्या कुल लूट लाट के ले गए, अब इस समय है ना, जब बाद में जब चल गए तो हम देखे खोल कर तो कुछ भी नहीं था उसमें, तो बताइए वो चीज़ क्या हम लोग क्या करेंगे, अब इतनी बड़ी रकम जब खत्म हुई जिसके घर से उसका बाल बच्चा, हम क्या करेंगे, जब आदमी चले गए सब लोग चले गए तो बताइए हम लोग करेंगे,
अब तो खाने के लिए कुछ नहीं है। दो दिन से दूसरे दूसरे घर से मांग मांग खाना खिला रहे बच्चों को। अब हम कहा, अब हम लोग कब खाए? जो बार बार कोई नहीं देगा, एक ही बार सब लोग देंगे। आज दो दिन से कोई माँ भी थोड़ी है, दूसरा कोई ले लिया हमने लकड़ के खाना पीना दे। आई शादी नहीं था, जैसे त्योहार मतलब दीपावली का वो पर्व था, आठ लोगों को ले गए। आठ लोगों को इस घर से, आठ लोग घर में सोते थे। घर में सोते थे, घर में से बोला प्रधान योगीराज, बोलाया कि यहाँ आओ। योगीराज जिला पंचायत सदस्य है। हाँ, वो हमारे सड़क पे सैलून खुला है ना, तो कहे कि आओ दिखाओ, इसमें दारू का ठीका नहीं है। तो वो खोलने के लिए गए दो लोग, तो दफ्ती पकड़ ले गए। फिर बाद में घर पे आए तो फिर पुलिस पकड़ के ले गए, मारते हुए ले गए, मारते ही ले गए, अत्याचार करते हुए ले गए। भैया कि हमारे भाई का हाथ तोड़ दिए हैं। अभी कहाँ है? घर पे नहीं, वही थी ना वहाँ। आप लोग को मिलने दे रहा है वहाँ? हाँ, तो मर माता गए हैं सब लोग दे मिलने के लिए। खाने पर तो ऐसे मार मार दिए कि कोई किसी का पैर टूट गया है, तो किसी का हाथ टूट गया है, तो किसी का क्या हो गया। मेडिकल करवाए हुए सब, मेडिकल कराए। हाँ, वहाँ पर सब ले गए थे सब, वही पुलिस वाले बोल रहे थे कि मेडिकल कराने के लिए ले गए हैं लोग। अभी तो हम लोग देखे नहीं है आग से, लेकिन उनसे सब बात से बता रहे हैं कि मेडिकल करा के लेके आ रहे हैं लोग। अब पता नहीं क्या हुआ, हाथ किसका हाथ को टूटा है, कहाँ पता हम लोग को। जब मिलने नहीं दे रहे हैं तो कहाँ पता है हमको। क्या नाम है उनका? हाथ के दो दो घर में गुजर रहे। बताइए कौन बड़ी, हम लोग का घर है। आपका घर है? हाँ, वही वो बगल ली वाला। अच्छा, हाँ। तो कितना हम लोग का दो अमीर थोड़ी है, हम लोग थोड़ा बहुत है, उतने लिए हम लोग उतने से पता से अमीर है। लेकिन जब कुछ नहीं है तो बताइए हम लोग करेंगे क्या। पकड़ के गया तो गए दम मतलब। अब जैसे धक्का भर लगल तो दोसर भी जनता रोड पर जीती जात बा। वहाँ मटर तो दूसर बाप घर लोग मारत बा, खाली देख बस गए चार ठीक देला भैया। हाँ, मने के तो कहीं पता नहीं है, इतना दे धमाई का मरले बान की मैंने उस पार से उठाया लोगों को और आपके यहाँ से भी उठाया। हाँ। देखने गए थे हमारा देखे देवर रहन, वहाँ देखा गयन है। देखा में मतलब कुछो नहीं, काली करन खाली देखा भर गलन, लड़का देखा गलन, आदमी जेठौत घरे सूतल है, लोग के डंडा डंडा मार मार के। अच्छा, तो हमें लग रहा है कि वो जो वीडियो आया होगा तो उसके तो कैमरा वैमरा बना रहे थे क्या कुछ? वो बस खड़े होकर देख रहे थे के? कुछ नहीं, खाली खड़ा होके देखे मारत रहन आदमी के। तो वह देखा गलहन के कैसन झगड़ा होता, कैसन क्या हल्ला क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई धक्का उक्का लग गया है क्या? भाई धक्का लगे तो सब ही जाला दौड़ के देखा दे की का भल कैसे हो गया। बस उतना समय में ई कुल बवाल इधर से पकड़ के ले जा। फिर यहाँ पे क्या हुआ? फिर वहाँ से यहाँ आए वो? हाँ, सबको पकड़ पकड़ के घरे घरे पीट पीट के कबाड़ी खुलवा खुलवा के मार के ले गए। और कितने घर में ऐसा किया यहाँ पे? बकरी वरी कैले हयान, यही बगल में भी कैले हयान, पकड़ पकड़ के ले गए, कबाड़ी भी तोड़ देले हैं। फिर आप लोग गए पुलिस स्टेशन? पुलिस तो यही चप्पल बाए हैं। आप लोग गए उनके घर वाले आप लोग गए? नहीं, हमने के जाए नहीं दे थे, मारा था हम लोग को डंडा से, वहाँ से मार के पुलिस लपेट दिलन की भागो नहीं, भोसड़ी वाली मदर से तुम लोगों के उठा ले जाएंगे, मारेंगे, पुलिस आएंगे, महिलाएं पुलिस से तुम लोगों के मार के चमनी खोल देंगे। तो अभी फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे छुड़ाएंगे? आप लोग बुद्धि दिए साहब, हम लोग का कोनो बुद्धि नहीं, हमारे पास आदमी नहीं है, चार लोग हैं, चारों लोग चल गए। अच्छा, वो ऐसे करते क्या हैं चारों काम? काम में एक जो एक आदमी हमारे आदमी के छोड़ दिए हैं थाने पर से, और मारे डर के मारे नहीं है घरे भाग। नहीं, पर ऐसे काम क्या करते हैं? काम करते रहिए, लेबराई फेबराई कर ले, और कौन काम बा, झगुआ फरसा कही है काम करे। बार बार
यही रात में घुस कर समाज के लोग नहीं है, समाज के लोग नहीं है बिरादरी के कि कोई फंस गया है तो उसको बचाने उचाने के लिए। समाज के लिए प्रधान जी ऐसे ऐसे वहाँ राजभर के हैं जो है लोग आ रहे थे नेता होता मिलने उलने, यहाँ पे कोई नहीं आया मिलने। जैसे मंत्री जी रीलू पटेल आया लेन यहाँ पे, रीलू पटेल काली के आवे के कहे हैं कि अब बस्ती में कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर में रहना, कुछ भी नहीं होगा। अथवा जो हरिजन बिरादरी के जो नेता हैं वो कोई नहीं आया। आपका नाम क्या है पूरा? सावित्री। सावित्री पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सावित्री, सावित्री है, सावित्री देवी। और पति का जिसको पति का जिस जे घर पे आए हैं उसका राम से जीवन नाम। तीन लोग हमारे घर। तो आपके पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होके जाके नहीं कर रहे हैं कि छोड़ो इनको, कोई मदद नहीं करा आजू बाजू सारे लोग? मदद कोई नहीं करा, लोग डर ना। सब डर गए हैं एकदम, बच्ची एकदम सब डर सब डरा गल, कोई नहीं जाता थाने। ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ है कि पहली बार हुआ? पहली बार हर जन बस्ती में ऐसा बात भयल अब डर गल ऐसे ये था कि रात में पुलिस यहाँ छापा मरी है तो लोग जेहरा न तनी सा दाना खाता न लोग तैसा पानी उनका वहाँ मलकिन हंसी पूजन का चार दिन भगाए रहे चार दिन परावत है उनके पास हुआ चार थे ननी ननी लड़का हंसी पूजन कमाए जो अंदर है चार दिन भगाए मतलब चार दिन घर से बाहर थी। अच्छा। महिलाएं को मार रहे थे ना? महिलाओं को मार रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। चार दिन पर्सन नहीं घर अरे ऐसा हम सुतल ऐसा खुला घर में चल जाते। आप यहाँ पे सो रही थी? दिमाग का हल्का कभी यही सूत जाए तो कभी यही सूत जाए तो मारते हुए सबको ले गए। मार आपको भी मारा क्या? सब का लेकिन छोड़ दिए हैं और अभी घर में कैसे काम चल रहा है? खाना वाना कुछ नहीं बन रहा है साहब, इधर गांव में कोई जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा था, डर के मारे हताश हो गया। अरे भैया इतना फलवली मचल बा कि पर आपका तो भी है ना कि आपके पड़ोसी को कुछ दिक्कत हो रहा है, चाहे रोड के उस पार हो तो आप जाएंगे देखेंगे मदद करेंगे ही ना, कोई गलती तो किए नहीं? नहीं कुछ गलती नहीं, खाली देखा भर गल है रिकॉर्डिंग में आ गल साहब। दो जने घरे से नहीं गल बन, दो जने गल बन साहब, दो जने में से एक जने के ज्यादा बहुत मार मारे बन, बहुत मार मारे बन साहब। हाँ हाथ खींच खींच के मरते के निकाले हैं साहब। खाली देखा भर गल हरजन बस्ती में से लड़ाई झगड़ा नहीं बोला शायद, खाली देखा गल बन ये गलती करे भाई अपनी चिल्लाला था गांगापुर भौड़ाला ने यह तो हमने के लगन बच्ची के धक्का लगन धक्का लगन। हां ऐसा ही अजिया लगा बुढ़वा का इतना तबीयत रोड पर ऐसा हो रहा भाई कुछ पीले खाई ले रहे
पेट में पीड़ा उठल तो हम तो परेशान भाई, नीमक पानी गर्मा गर्मा देते दवाई देते भाई, पानी गर्म करके बोतल में भर के ढेला होते पेटे पर कि इनके कैसे आराम आराम। और बाद में तो हमने बुढ़ाऊ के लेके अपनी जागत रही, जब इधर धाड़ धाड़ उहर केवाड़ी पीड़ा लू ना तो हमारे देवरान निकली तो कहाँ कि उनके घर में झगड़ा कर हम निकले पनारे बैठ के, इनके घर जब हल्ला सुने ना तो हम बुढ़ावा के लेके कहाँ जाए भैया, लड़कन तो हमारे यहाँ बाहर नहीं कहाँ गए सब रिश्तेदार बड़ी बड़ी लड़की फड़की बहन पतो सतो बहन सब निकाल दे डर के मारे खाली के घर में घुस घुस के करत आए हैं कि रात में महिला पुलिस से आएगी तो लड़की को बेइज्जती करेगी ले जाए के यही मरवा कैलन साहब ले गेलन मरवा कैलन मारपीट के ले गेलन घरवा में से न जन के हर का आदमी हइयो नहीं बहन तब्बो। अरे देखा हाई लड़का बेचारा हदस के मारे भाग गल ल दिन भर खोज आयल ये लड़का हमारे तनी बुढ़ी का बच्चा भाग गई है ये लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आठवीं में सब पढ़ने जाते हैं सब पूजन बदे कौन और हुआ नहीं बा हम अब जन बत्ती बरत है ना क्या किए वो लोग ऊपर से कूदे कूदले नहीं दवाई तोड़ के जाके पुलिस दरवाजा सीढ़ी का तोड़ के ऊपर को तोड़ के करे तीन लड़कन के ले गए एकदम बल्ले बरत बहुत लंबा चौड़ा है घरे घरे ये पता ना करी बुढ़ापन के मार दिए दू डंडा का पौने उड़ी का हो गया प्रधान चमारन केव के दूसरे सरिया कर केव के को नहीं देता है। हाँ देखा पर्दा नौले भाई हमारे पता वही में सूचा ली खटिया मचिया हो ये वक्त तो डर के मारे हटा दे ले भाई ला हम अलगे भाई भाई अपने बूढ़ा बुढ़ाऊ से तब तक देखा यही रोटी खा के बना भैया ये मड़ई लगा के ना यही में देखा खाना देखवा देखा सही है खाली कुकुरन के मारा ये लगा देली जंगला यही में रोटी खाई ला जब से अलगे भल भाई तब से परिवार में से।